हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो एसजे डीटीएच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ दोस्तों नया टेक्नोलॉजी का नया सेटअप बॉक्स लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे ईगो स्टार इस सेटअप बॉक्स का नाम है। ज़बरदस्त क्वालिटी का ये सेटअप बॉक्स है दोस्तों। यूट्यूब भी चला देगा, जो बंद पड़ा है दोस्तों आप सब कुछ यहाँ पे आप चला सकते हैं। सारे चैनल इसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री में देखने को मिलेगी दोस्तों। बस इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है दोस्तों। इसके आज अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको टीवी पे लगा के दिखाऊंगा क्या कुछ चलता है, कैसे चलता है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बस इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद आपको लेके चलेंगे दोस्तों टीवी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे इसका इंटरफेस आपको कैसे देखने को मिलता है, कैसे नहीं, आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो साइड में बॉक्स देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है आपके फ्रेंड के साथ, मतलब किसी भी ग्रुप में या किसी सोशल मीडिया पे हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, हमारे पास से आपको मिल सकते हैं दोस्तों ये 3 सेटअप बॉक्स फ्री में। तो दोस्तों, उनके लिए मैंने साइड पे रखा, मतलब निकाल के रखे दोस्तों, मेरा जो गोडाउन है उससे निकाल के हम यहाँ पे मैं आपके लिए ये सेटअप बॉक्स मतलब फ्री में देने वाला हूँ। जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार इस सेटअप बॉक्स को अनबॉक्स करके। तो अनबॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ऑडियो वीडियो लीड। दोस्तों ऑडियो वीडियो लीड देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। इस पैकिंग में आपको मिलेगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है ऑडियो वीडियो लीड होती है। जो CRT टीवी यूज़ करते दोस्तों उनके लिए अच्छा है। जो LED यूज़ करते दोस्तों उनके लिए उन्होंने HDMI केबल ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये अपना मेन यूनिट, इसको हम इससे निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों इसका इंटरफेस। तो दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैंड बाय का वे बटन है दोस्तों, मेनू प्लस माइनस चेंज माइनस वॉल्यूम प्लस चेंज, और यहाँ पे आगे से USB लगा सके ले दे दोस्तों YouTube 4K। यहाँ पे जो बहुत सारे सेटअप बॉक्स उसको इसके अंदर YouTube चलता नहीं है, तो इसके अंदर भी आपको YouTube देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इसका लुक का, तो लुक भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसका लुक है। और यहाँ पे होता है दोस्तों डिस्प्ले। और अंदर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पीछे का जो है दोस्तों, यहाँ पे LMB इनका आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले USB 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, HDMI मिल जाता है दोस्तों, CRT टीवी के लिए ऑडियो वीडियो लीड यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे हमें लगाना है दोस्तों पावर प्लग, मतलब अडेप्टर। तो दोस्तों अडेप्टर लगा देंगे दोस्तों, यहाँ ये बॉक्स हो जाता है दोस्तों ऑन। तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का दोस्तों। ऑल चैनल फ्री में आप इस सेटअप बॉक्स में देख सकते हो। तो दोस्तों ये बॉक्स आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके ये बॉक्स हमसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको भी हम साइड में रख देते हैं दोस्तों। बात आती है दोस्तों वाईफाई की, तो वाईफाई कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप वाईफाई डोंगल मतलब लगाते हैं सेटअप बॉक्स में, तो यहाँ पे आपका इंटरनेट इस बॉक्स में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको भी हम मतलब बाजू में रख देते हैं। और अडेप्टर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अडेप्टर भी देख सकते हैं दोस्तों, एकदम बिल्ड क्वालिटी में आपको अडेप्टर मिल जाता है एकदम ज़बरदस्त। यहाँ पे LED लाइट भी यहाँ पे हमें मतलब प्लग ऑन में डालते हैं, तो भैया ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है, यहाँ पे आपको LED ब्लिंकिंग हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे जैसे इसके कुछ इस तरह से ये सेटअप बॉक्स आपको सेटअप बॉक्स के साथ ये अडेप्टर आपको मिल जाता है। इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। और जो बात है दोस्तों हमारी रिमोट की, तो रिमोट भी बहुत ही प्यारा सा है दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, इस तरह से आपको रिमोट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और रिमोट की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसको फिलहाल रख देते हैं साइड में। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे दोस्तों इसके अंदर यूट्यूब और सारे चैनल कैसे यहाँ पे हम प्ले कर सकते दोस्तों। यहाँ पे आपको अभी आगे देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम जैसे वाईफाई यहाँ पे लगा दिया है, अभी हम लगाएंगे HDMI केबल पावर प्लग। तो लगाने के बाद दोस्तों अपना सेटअप बॉक्स हो जाता है दोस्तों ऑन। ऑन होने के बाद दोस्तों आपको इसका इंटरफेस कैसे देखने को मिलता है, सारी जानकारी आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगी। वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, अभी आगे देखते रहिए इस सेटअप बॉक्स का कमाल। ईगो स्टार इस सेटअप बॉक्स का नाम है दोस्तों, नया टेक्नोलॉजी के साथ आया है दोस्तों ये सेटअप बॉक्स अभी। तो चलिए दोस्तों चलते, अभी हम जाते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ और आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसके कमाल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे टीवी के साथ। और यहाँ पे मेरे पास LED है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने HDMI केबल लगाई है और एंटीना से आने वाली यहाँ पे मैंने तार यहाँ पे जोड़ी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं इसका इंटरफेस आपको कैसे देखने को मिलता है, कैसे नहीं। चलिए चलते हैं अब टीवी स्क्रीन की।
बॉक्स ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इसका वुड लोगो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों अभी सेटअप बॉक्स का मेनू। दोस्तों मेनू जैसे मैं यहाँ पे मेनू प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो सेटअप बॉक्स का आप इंटरफेस देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस इसका देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बॉक्स दोस्तों, इसका लुक भी आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई डोंगल हमने लगाया दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने लगाया था मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हरा बटन प्रेस करना है। हरा बटन प्रेस करोगे दोस्तों जो भी यहाँ पे वाईफाई का नाम रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा वाईफाई का नाम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा दोस्तों। जैसे कि मेरा जो पासवर्ड होगा दोस्तों वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पासवर्ड डाल दिया है, अभी इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और यहाँ पे टिक आ जाएगी। टिक आ गई तभी समझ लो आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अदरवाइज आपका यहाँ पे टिक नहीं आए तो समझ लेना वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हुआ नहीं है। तो समझ लो यहाँ पे देख सकते हो मेरा वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है आपके सामने। आपने देख लिया दोस्तों यहाँ पे टिक आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखा रहा है, स्टेटस में कनेक्टेड होगा तो समझ लो आपको इंटरनेट प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है। बैक आ जाएंगे आपको, सबसे पहले अभी अब हम लगा के दिखाएंगे दोस्तों यूट्यूब, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो बॉक्स है दोस्तों उसके अंदर यूट्यूब ही नहीं चलता है। दोस्तों ये सेटअप बॉक्स ईगो स्टार का है, ये सेटअप बॉक्स आपका यूट्यूब भी ऑन कर देगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे अपना YouTube भी सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है, मतलब चलता है। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अपना YouTube भी चल गया है, वेदर भी चलता है। अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चैनल चला के, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चल रहा है अभी दोस्तों ZTV। तो दोस्तों ZTV यहाँ पे चल गया। स्टार प्लस यहाँ पे मैं लगाता हूँ दोस्तों, स्टार प्लस यहाँ पे लगा दिया अभी। तो दोस्तों स्टार प्लस भी यहाँ पे चल गया। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ दोस्तों अभी निक्स, बच्चों के कार्टून वाले चैनल। दोस्तों यहाँ पे निक्स, यहाँ पे ये भी बढ़िया आराम से चल जाएगा। तो स्टार स्पोर्ट हिंदी लगाता हूँ दोस्तों, ये भी यहाँ से यहाँ पे चल जाएगा। तो दोस्तों सारे चैनल इस सेटअप बॉक्स में आप चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप डीडी फ्री डिश के साथ साथ इसके अंदर सारे के सारे आप पेड चैनल इसके अंदर आप चला सकते हैं। बस इसको आपको क्या करना है दोस्तों, एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग हम बता देंगे आपको। बस दोस्तों ये आपको इस सेटअप बॉक्स में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। और भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे समझ लो आपके सारे चैनल यहाँ पे सेटअप बॉक्स में नहीं आ रहे, मतलब स्कैनिंग नहीं हुए आपके चैनल, पेड वाले जो चैनल दोस्तों स्कैनिंग मतलब हुए नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑल चैनल डिलीट करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल ऑल डिलीट कर लेना है। ऑल डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है, एंटीना सेटिंग में आना है। और एंटीना सेटिंग में आके इसको सिर्फ आपको ब्लेंड करना है। यहाँ पे ब्लेंड कर दोगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सर्च करना, सर्च करने के बाद दोस्तों सारे चैनल आपके आ जाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों इसका आसान सेटिंग। ये सेटअप बॉक्स आपको कैसे लगा दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको ये सेटअप बॉक्स लेना है तो मुझे व्हाट्सअप पे एक मैसेज करना, वहाँ पे हम इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। और दोस्तों आपको एक बात बताना था, तो यहाँ पे इस सेटअप बॉक्स को हम कैश ऑन डिलीवरी में नहीं दे सकते, आपको इसके लिए पेमेंट पहले ही करना है। जो पेमेंट पहले करना चाहता है, सेटअप बॉक्स लेना ही चाहता है, तो मुझे वही लोग मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हाय हेलो ये मैसेज आपको व्हाट्सअप पे बिल्कुल ही मत करना। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।